नमस्कार, मैं अमन और आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 4 दिवसीय आज दूसरी दिन है और आज खरना का पूजा होता है और हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो छठ व्रती महिला है उनके द्वारा खरना का पूजा किया जा रहा है और तमाम परिवार के लोग है, क्योंकि इस बार सभी लोगों के चेहरे पर खुशी है क्योंकि सभी लोग घाट पर पूजा करने के लिए जाएंगे और यहाँ पर खरना पूजा जो हो गया। हम आपको और भी तस्वीर दिखाएंगे, जहाँ पर आप तस्वीर में देखें नवादा के सूर्य मंदिर की आपको तस्वीर दिखाएंगे। यहाँ पर भी तमाम लोग पहुँचे हैं और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर में तमाम लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हम आए हैं और भी कुछ लोग, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ महत्व है, क्योंकि ये छठ पूजा कर रहे हैं। छठ पूजा क्या कुछ महत्व है, ये छठ पूजा का क्या कुछ? छठ पूजा का बहुत महत्व तो है, इसमें हर किसी का जो भी गछती है उसका पूरा होता है, छठ मैया पूरा करती हैं। 2 साल से हम लोग छठ पूजा को नहीं मना रहे थे कोरोना काल के चलते, इस साल हम लोग बहुत खुशी से छठ पूजा मना रहे हैं और सभी को बधाई देते हैं, हमारे घर में छठ पूजा हो रहा है। तो ये एक सवाल है कि क्या पहले आप लोग जो जिस तरह से घाट पे नहीं गए तो इस बार घाट पे जाएंगे? हाँ, इस बार हम लोग खूब इंजॉय करेंगे, घाट पे जाएंगे, सभी पूरा परिवार के साथ जाएंगे। हमें पूजा क्या कुछ कहिएगा। 2 साल से हम लोग नहीं मना रहे हैं छठ पूजा कोरोना की वजह से, इस बार हम लोग घाट पे जाएंगे और मजा करेंगे। और क्या कहिएगा। हम लोग बहुत मतलब उदास हो गए थे, पिछले बार नहीं जा पाए थे तो इसलिए इस बार सारा कमी हम लोग पूरा करेंगे और खूब मजा करेंगे। तो आप देख रहे थे तमाम लोग जो यहाँ पर इस बार छठ पूजा को लेके आज खरना पूजा है और खरना पूजा के दिन और भी हम कई तस्वीर आपको दिखाएंगे। नवादा की तमाम तस्वीर आप न्यूज़ फोर नेशन पे देख रहे थे किस तरह से नवादा में भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन के घर में भी छठ पूजा की जा रही है, वहाँ की भी आपने तस्वीर देखी और तस्वीर देख रहे थे आज खरना पूजा और खरना पूजा के दिन जो छठ व्रती महिला है उनके द्वारा पूजा किया जाता है और कहीं ना कहीं इस बार नवादा के जो छठ घाट है 21 छठ घाट बनाया गया और वहां पर तमाम जो लोग हैं इस बार काफ़ी इंजॉय करेंगे, घर से निकलेंगे। हमने छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत किए तो उन लोगों ने कही कि जिस तरह से कोरोना के कारण लोग घरों से छठ पूजा नहीं मना पाए थे, लेकिन इस बार घाट पर जाएंगे और लोगों में काफ़ी इंजॉय है। आप तस्वीर देख रहे हैं नवादा की, तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से छठ व्रती महिलाओं की जो है वो अपनी पूजा आज खरना की पूजा कर रही है। दूसरे दिन है लोक आस्था का सबसे महान पर्व है और हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पर्व माना जाता है छठ पूजा, और क्योंकि जो लोग अपने घर से दूर भी रहते हैं इस पर्व में वो घर जरूर आते हैं। और नवादा की आप तस्वीर देखें तो तमाम लोग अपने फैमिली के साथ आज खरना पूजा कर रहे हैं और तस्वीर में देखें और भी क्या कुछ लोग कह रहे हैं जो छठ व्रती महिला जो पूजा कर रही है इनके द्वारा क्या कुछ कहा जाता है, आपको छोड़ चलते हैं इनकी वीडियो के साथ। लोहंडा का व्रत बहुत, छठ व्रत बहुत उत्तम व्रत है, इस सभी महिलाओं के लिए बहुत उत्तम है, करना चाहिए व्रत, पुत्र पति के लिए सबके लिए व्रत अच्छा है। कल पुरानी संजत था, आज लोहंडा है, कल पहला अर्घ है और परसों पारण है। ये पर्व हिंदू धर्म के लिए बहुत बढ़िया उत्तम पर्व है, ये व्रत पति पुत्र पति सबको लिए होता है, ये बहुत बहुत उत्तम व्रत है। ठंडा कर रहे हैं, इसमें दाल चावल दूध मीठा पिठा पूरी लगता है, बहुत धूमधाम से मना रहे हैं हम लोग। कोरोना काल से तो हम लोग नहीं डरे हैं, लोगों के लिए कहेंगे कि अच्छा सबके करना चाहिए, उत्सव से करना चाहिए त्यौहार। इतना महान पर्व है इसलिए मनाया जाता है, इस बार पूरा धूमधाम से मना रहे हैं, कोरोना काल से बढ़िया हो गया है।